हेलो एवरीवन, आई एम जीशान। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो टॉपिक है शायद आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं किसी फर्म के अंदर, किसी सीनियर के अंदर, किसी लॉयर के अंदर, क्योंकि उन्हें अकाउंटेंट बनना है, बट उनके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं होता कि उन्हें कहीं और से कोई टिप्स मिले कि कैसे आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। हालांकि वो सिचुएशन से मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरा बैकग्राउंड भी ठीक ठाक अकाउंटेंट का नहीं था, बिकॉज जानते हैं आप सब कि मैं बहुत से ऐसे वीडियो में बोला हूँ कि मेरा भी बैकग्राउंड सही नहीं था, बट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, वहाँ से मैं अपना यू नो बाउंस बैक किया और फिर मैंने सीखा, आई एम स्टिल लर्नर, एंड देन मैं यूट्यूब चैनल ओपन किया और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप लोगों का। एंड मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से, ऐसा कि बहुत से ऐसी वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे आप अकाउंटेंट बन सकते हैं, कैसे आप सीख सकते हैं वो सारी चीज़ें, बस क्या है आपको हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, फोकस करनी पड़ेगी और एक्वायर नॉलेज आपको कंटिन्यूसली रखनी पड़ेगी जिसके माध्यम से आप एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं रिगार्डिंग फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कि कैसे आप अकाउंटेंट एक अच्छा बन सकते हैं। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, जब मैं अकाउंटेंट का जर्नी स्टार्ट किया था अपनी इस फॉर्म से, तो मुझे बहुत सारे ख्याल आए, शायद आपके भी मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं जो आप लोग मुझे DM करते हैं, कमेंट करते हैं। तो मेरे मन में बहुत ढेर सारे ख्याल आते थे, क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ, क्योंकि मैं नया नया था और बहुत कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था जिसके कारण मैं बहुत स्कैर्ड हुआ करता था। बट स्टिल मैं उन सभी चीज़ों से परे हूँ और बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत कुछ सीखना बाकी है और बहुत कुछ सिखाना आप लोगों को बाकी है, जो मैंने जाना है जितना सीखा है वो सारी चीज़ें आपको सिखाना बहुत बाकी है। तो आई होप सो अगर टच में आप हमेशा रहें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी चीज़ें रहेंगी वो आप तुम उसे शेयर ज़रूर करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से। मेरी लाइफ की जो सबसे मेन पार्ट था, जो सीखने का, जो हर एक चीज़ करने का, वो था मेरा हार्ड वर्किंग, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। अपने मुँह से तारीफ करना बहुत बुरी बात है, बट मैं अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, तो आप लोगों तक पहुँचेगी नहीं बात। तो आप इस माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मैं जब यहाँ पर सीखता था एंड देन जब मैं घर पे जाता था तो वहाँ पर भी मैं अपने मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से बहुत कुछ सीखता था, जो भी चीज़ें यहाँ मुझे सिखाई जाती थी। तो वही चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग भी वो चीज़ें करें जो मैं करता था, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हम जब यहाँ से जाते हैं कि जब आप फ्रेशर कोई जॉब लगती है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसे आप सक्सेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, आप एक अच्छा स्कोप तक नहीं ले जा सकते, एक आप कुछ और दूर तक नहीं देख सकते। तो मैं सोचता हूँ, मैं यही आप लोगों से कहता हूँ कि आप अपनी जो नज़र है, जो अपनी विज़न, उसे थोड़ा सा आगे लेके जाएं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले उसे कसकर मेहनत कीजिए, एक अच्छा मेहनत कीजिए आप हार्ड, उसमें आप अपना 110% दीजिए ताकि आपकी जो जर्नी है वो स्मूथ हो जाए, वो आज जो जैसा है वो कल ना वैसा हो। क्योंकि आज जब मेहनत करेंगे तभी आप कल की चिंता छोड़ देंगे, क्योंकि आज बेहतर बनाएंगे तो कल आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा आपको लाइफ स्पेंड करना, राइट। तो मैं क्या करता था कि जब मैं यहाँ से जो भी सीखता था, जो मुझे सिखाते, जब मैं फ्रेशर था, तो वो चीज़ें मैं जाके घर पर भी रिवाइज करता था, सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन देखता था, ऑनलाइन पढ़ता था। बहुत बार बहुत से ऐसी किताबें थी मेरे ऑफिस में अवेलेबल थी, वहाँ पर भी मैंने बहुत सारे ज्ञान लिए, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो मुझे फ़ायदेमंद हुआ। और आप लोग जो सोचते हैं कि क्या मैं अकाउंटेंट बन जाऊंगा, क्या मैं 1-2 महीना हो गया है मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो सैलरी से लेकर भी बहुत सारे मुझे कमेंट्स मिलते हैं। तो भाई, अगर फ्रेशर हैं तो सैलरी को प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए, आप लर्निंग पे फोकस कीजिए, आपको सैलरी आगे चल के बहुत कुछ मिलने वाला है अगर आपके पास नॉलेज स्किल है तो, ठीक है। तो आप जो फ्रेशर हैं आप अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए, आप सीखने पे फोकस कीजिए। आई एम श्योर कि आपकी सैलरी की जो आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इतनी मिलनी चाहिए, तो ज़रूर आपको मिलेगी अगर आपके पास वो सारी चीज़ें हैं तो, ठीक है। फ्रेशर है तो आप ये मत सोचे
कि 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हो गया, बट मुझे आप समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भाई कोई भी चीज़ करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है, जैसे मैंने दिया है। तो मुझे 1 साल सिर्फ समझने में लगे थे, जो चीज़ें मैंने कर रहा था उन सब चीज़ों के एक आसानी आसान करने के लिए मुझे 1 साल लगे थे। तो अब ये नहीं है कि आप कहेंगे भाई आप 1 साल से सिर्फ सीखने में लगे, तो भाई यहाँ पर 2-2 साल हो जाते हैं समझने में, अकाउंटिंग टैक्सेशन को समझने में, तब आप आगे जाके कोई स्टेप नया ले सकते हैं। तो मैं यहाँ गलत नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने किया है वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। या तो 6 महीना करके आप लोग सोचते हैं कि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, या फिर मैं कहीं अच्छे अकाउंटेंट कहीं और करता तो मैं कुछ और बनता। तो यार आपकी भी सोच सही है, देखिए हर कोई हर तरीके से नहीं सोच सकता, सबकी माइंड अलग अलग होती है और सबकी सोचने की नज़रिया अलग होती है। मे बी आप मेरे से बेहतर आपका माइंड हो, मेरे से अच्छा आपकी माइंड सेट हो, आपका स्किल अच्छा हो, नॉलेज अच्छा हो, तो जो मैं जाना हूँ, जितना मैं सीखा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करता हूँ। शायद आप लोग इससे कुछ सीखते होंगे, मेरे वीडियो से कुछ सीखते होंगे। और अगर आपको ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना, आपकी लाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती है और वीडियो बनाने का। और अगर आप सोच रहे हैं कि अकाउंटेंट बनकर मैं अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, तो बेशक कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास नॉलेज एंड स्किल होनी चाहिए। पैसे की फिक्र अभी मत करो, अगर आप फ्रेशर हैं आप लर्निंग पे फोकस करो, सीखने पे फोकस करो, और जो नॉलेज हो उसको लगातार एक्वायर करते रहो, राइट। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको आगे। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो जरूर शेयर करें, और मेरी इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। फॉर मोटिवेशन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के, टेक केयर, बाय बाय।